नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? INS 24/7 और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल आज की हम शुरुआत करते हैं। आज 19 अप्रैल 2022 का दिन है, आज मंगलवार है, आज बैशाख मास इस समय चल रहा है, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। देखिए, आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है, दोपहर में 3 से 4:30 के बीच में। राहु काल के दौरान आप अपने जरूरी कार्यों को बिल्कुल भी संपन्न नहीं कीजिएगा। इसके बाद आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, सूर्य अपने उच्चतम राशि यानी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा का गोचर इस समय वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ गया है। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिनकी मुलाकात 29 अप्रैल से 4 मई के बीच में शनि से होने वाली है। इसके चलते एक बार पुनः देश में कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। इसके बाद बुध ग्रह इस समय सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर भ्रमण कर रहे हैं, वहीं गुरु इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी मीन में है, जहां पर 27 तारीख को उनकी मुलाकात शुक्र से होगी, जो कि अपने आप में बड़ा दिव्य योग बनेगा। हम उसकी भी चर्चा भविष्य में करेंगे। और इस समय शुक्र कुंभ राशि में है, मंगल के साथ कंजक्शन में चल रहा है, वहीं शनि इस समय मकर राशि में है, जो कि भविष्य में 29 अप्रैल के आसपास कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि में सूर्य के साथ भ्रमण कर रहा है, तो राहु सूर्य के साथ घूम रहा है, तो इसलिए राहु लगभग अपनी कंबस यानी अस्त की स्थिति में पड़ा हुआ है। वहीं केतु ग्रह तुला राशि में है और किसी भी रूप में कंबस नहीं है। जब वह अक्टूबर के महीने में सूर्य के साथ युति बनाएगा तब जाकर वह अस्त होगा। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित है। सामुद्रिक शास्त्र में जिस तरह से हम पहले भी कई विषयों को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, शरीर के विभिन्न अंग इसके अंदर आते हैं, उसकी क्या कुछ ज्योतिषीय महत्ता है, इस पर हम बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाले तिल की। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कुछ लोगों के चेहरों पर, कुछ लोगों के हाथ पर तिल होता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जो तिल होता है उसकी क्या कुछ महत्ता बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए तिल अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज होती है। कई बार आपके शरीर पर, चेहरे पर बहुत सुंदर जगह तिल हो तो आपकी सुंदरता को वो कई गुना बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर आपके होंठों के पास तिल हो, आपकी नाक के पास तिल हो, आपकी आंखों के पास तिल हो, आपके मस्तक पर तिल हो, आपके कान पर तिल हो, आपकी ठुड्डी पर तिल हो, आपके कंधे पर तिल हो, आपकी पीठ पर तिल हो, आपकी कमर पे तिल हो, आपकी नाभि के पास तिल हो, बहुत सारे लोगों के हथेली में तिल पाया जाता है, अंगूठे पर तिल पाया जाता है, पैरों में तिल पाया जाता है, पैर की पिंडलियों में तिल हो और पैर के अंगूठे में तिल हो, पैर के जो तलुए होते हैं उसमें भी तिल हो, तो ये सारे तिलों का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। देखिए, तिल को थोड़ा सा समझना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के शरीर में जब रक्त यानी ब्लड जम जाता है और भविष्य में वो काला पड़ जाता है तो लोग उसको तिल मान लेते हैं। तिल एक्चुअली में वो नहीं होता है। तिल का मतलब होता है कि वह जो आपके शरीर से उभरा हुआ हिस्सा हो,
माने तिल के आकार, जो तिल आप खाते हैं, जिस तिल का आप तेल इस्तेमाल करते हैं, तिल बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, यानी उभरा हुआ होना चाहिए। कई बार थोड़ा सा छोटे तिल भी होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े तिल होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे, कई सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाक या होंठों के पास या ठुड्डी के पास तिल होते हैं। प्राचीन काल में जिनके तिल नहीं होते थे, वो सुंदरता के लिए तिल को बना भी लेते थे, उसका भी अपने आप में महत्व है। तो मैं एक एक करके आपको तिल के बारे में बताए देता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मस्तक से। तो यदि आपके मस्तक पर तिल हो, यानी देखिए इसमें तिल में महिला और पुरुष के लिए जो गणना है वो थोड़ी अलग अलग है। पुरुषों के लिए तिल जो सर्वाधिक शुभ माना जाता है वह होता है आपके सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ। वहीं महिलाओं के लिए यदि बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में तिल होता है तो बहुत लाभकारी होता है। और उसका उल्टा सिमेट्री मान लीजिए, यदि पुरुषों के बाईं तरफ तिल है तो वो आपके लिए अशुभ कारक माना जाता है, वहीं महिलाओं के यदि दाहिनी तरफ तिल है तो उनके लिए अशुभकारी माना जाता है। तो ये तिल की बात हुई। और अब मैं शुरुआत करता हूँ एक एक हिस्से के तिल को लेकर। देखिए यदि आपके मस्तक पर तिल है, मस्तक पर तिल कहीं इस कई स्थान पर हो सकता है, आपके सर से लेके यहाँ नीचे तक, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो मस्तिष्क के रूप में आता है। तो यदि आपके सीधे हाथ की तरफ तिल हो, राइट हैंड में, खासतौर से पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो आप बहुत बुद्धिशाली होते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, कार्य क्षेत्र आपका बहुत मजबूत होता है। इस हिस्से पर राइट हैंड में तिल का पाया जाना या महिलाओं के बाईं तरफ तिल का पाया जाना बहुत बुद्धि यानी प्रखर बुद्धि की ओर ले जाने का प्रतीक माना जाता है। जीवन में ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं, उन्नति कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, बुद्धि बहुत प्रखर होती है। यदि इसका उल्टा हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, तो वो अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप आइए तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी आईब्रोज होती हैं, जिनको भवे भी कहा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पर भी तिल पाया जाता है। तो यदि आपकी आईब्रोज में तिल है, आंखों के ऊपर बेहद शुभ माना जाता है। ये इस बात को बताता है कि आप अपने जीवन में अपने कर्म को, अपने कार्य को, और आप कितने भावुक व्यक्ति हैं, इसके बारे में इस तिल की व्याख्या होती है। खास तौर से ऐसे लोग जो कि इमेजिनेशन का काम करते हैं, उनका यदि तिल इन स्थानों पर पाया जाता है तो बेहद शुभ माना जाता है। कंप्यूटर्स, ग्राफिक डिजाइन या चित्रकारी, इन विधाओं में यदि आप होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये तिल आपके लिए बहुत शुभ और बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके बाद यदि आपकी तिल आपकी बिल्कुल आंख के पास में हो, ये जो पोर्शन होता है, यहाँ कई बार तिल होते हैं, मेरे भी है यहाँ पर तिल राइट हैंड में, तो ये दो चीजों का द्योतक होता है। एक तो जातक की वाणी बहुत जबरदस्त होती है, वाणी से जातक सामने वालों को बहुत हद तक प्रभावित कर लेता है। इतनी सुंदर बातें करते हैं कि कई मामलों में लगता है कि इनसे ज्यादा श्रेष्ठ बातें करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो। सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और कई मामलों में इच्छित धन की प्राप्ति भी ये तिल कराता है। परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि तिल उभरा हुआ होना चाहिए शरीर से, दबा हुआ तिल किसी भी काम का नहीं होता। यदि महिलाओं के बाईं तरफ तिल माना जाता है तो ऐसा माना जाता है उनको बहुत सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है, जी जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। जी पंडित जी, बिल्कुल इसके आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है रायसेन से, निर्मला। निर्मला जी, आपका बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। सबसे पहले जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। हाँ गुरुदेव, प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। जी मैंने आप हाँ मैंने आपको पहले कॉल किया था कि बेटे की तबीयत खराब है, तो उसको डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई है, तो उसकी सर्जरी हो गई है गुरुदेव। अब आगे का भविष्य उसका कैसा रहेगा? हाँ, उसका नीरज, नीरज नाम है। 1996 का जन्म है, 28 जून 1996 शाम को 5:47 का। जी, रायसेन का ही जन्म है। अट्ठाईस जून नहीं,
28 जून 1995 छियानवे नहीं क्या नहीं बोला छियानवे आपने? नाइन हाँ 96 जी जी समय बता दीजिए एक बार। समय 5:47 शाम का जी। स्थान बता अच्छा। दें स्थान मंडीदीप जी। तो गुरुदेव उस अवांगे चलिए भविष्य कैसा रहेगा जी जी मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको बताने का अपने ज्योतिषी ज्ञान से। तो निर्मला जी जो आपकी बिटिया हैं सबसे पहले तो वो स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें। INS 24/7 परिवार उनके स्वास्थ्य की कामना करता है। देखिए उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की वो जातक हैं। देखिए सर्जरी हुई उसके पीछे दो कारण हैं। मंगल चूंकि सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है जिसके कारण उनको परेशानी हुई। आपने कहा भविष्य में कोई विशेष तकलीफ तो नहीं आएगी। देखिए बुध की महादशा है बुध में राहु का अंतर है 27 मार्च 2023 तक चलेगा। इसके बाद बृहस्पति आ जाएगा जो उनके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना देगा। लेकिन आपको चिंता जो है अगले साल मार्च तक जरूर करनी है। स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए निर्मला जी मैं एक बिटिया के लिए एक रत्न बता देता हूँ। मुझे लगता है उससे जरूर बिटिया को लाभ होगा। बिटिया को एक जिसको हम मूंगा रत्न कहते हैं मंगल का रत्न होता है तो मूंगा आप पहना दीजिए बिटिया को सीधे हाथ की तीसरी उंगली में तांबे में जड़वाकर और उसके साथ साथ एक सिलोनी गोमे जरूर पहनाइए। देखिए बिटिया के ऊपर ढैया शनि प्रारंभ हो रहा है 4 मई से जो बिटिया को थोड़ा तंग कर सकता है। नीलम पहना सकती नीलम पहना दीजिए नहीं तो सिलोनी गोमेद भी नीलम जैसा ही काम करता है जिसका वजन लगभग 14 रत्ती का हो सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वाकर आप शनिवार के दिन पहना दें। ये दोनों चीजें करेगी तो मुझे लगता है बिटिया का स्वास्थ्य न केवल बेहतर होगा अपितु आप और सभी परिवार को वो प्रसन्न भी रखेगी। बिल्कुल इन उपायों को आप कर सकते हैं निर्मला जी निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान चाहते हैं कार्यक्रम के दौरान तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी हम फिर से लौटेंगे विषय की ओर हम बात कर रहे थे तिल की जी। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आंखों के पास आपका तिल होता है तो कितना बेहतर होता है। अब आंखों से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो आपके गालों के तिल के ऊपर आते हैं। देखिए जैसे हम जानते हैं कि आपकी मुस्कुराहट में यदि गालों में डिम्पल पड़ते हैं मैं उसके बारे में भी एक दिन प्रोग्राम करूंगा कि बहुत सारे लोग जब मुस्कुराते हैं तो उनके गाल बीच में धस जाते हैं उसको डिम्पल्स कहा जाता है तो बड़े खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके गालों पर तिल है देखिए पुरुष के दाहिने गाल पर तिल है और या महिलाओं के बाएं गाल पर तिल है तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये न केवल स्वयं को प्रसन्न रखते हैं अपितु दूसरे जितने भी इनके संपर्क में लोग आते हैं उनको भी ये काफी हद तक प्रसन्न रख पाते हैं बहुत प्रसन्न रखते हैं। हमेशा खुश मिजाज बने रहते हैं। धन की कई बार कमी होती है लेकिन ये अपने विचारों से अपने कार्यों से काफी हद तक धन को पा लेते हैं कमी नहीं रहती हमेशा प्रसन्न रखते हैं। यदि ये पोजीशन उल्टी हो जाए यानी पुरुषों के लिए बाई गाल पर तिल हो और महिलाओं के लिए दाई गाल पर तिल हो तो ये थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप प्रसन्न रहते हैं लेकिन वो प्रसन्नता उतनी दिल से नहीं होती जितनी होना चाहिए। कामकाज को लेकर परेशान बने रहते हैं अपनी परेशानी दूसरों को दिखाने से बचते भी काफी हद तक हैं। तो ये गाल पे तिल का फर्क हुआ। अब यदि गाल से आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि आपके होठों के ऊपर भी तिल कई बार पाए जाते हैं तो होठों के ऊपरी हिस्से में यदि तिल पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से महिला हो या पुरुष थोड़े से डोमिनेटिंग यानी प्रभावशाली स्वभाव के होते हैं। वह चाहते हैं कि जीवन में वह जो भी करें लोग उनकी बातों को सुने उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दें मन को हमेशा उसी प्रकार से बनाए रखें कि जैसे वो चाहते हैं। डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं बहुत सारी चीजें वह अपने जीवन में करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास प्राप्त हो परंतु थोड़े से जिद्दी और चिड़चिड़ाहट पाए के रूप में होते हैं।
इसके बाद तिल का एक और स्वरूप होता है, बहुत सारे लोगों के बिल्कुल नाक की सीध में यहाँ पर तिल होता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही सफल होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, जीवन में लक्ष्य को भी पाते हैं, परंतु जीवन भर संतान सुख से हमेशा वंचित बने रहते हैं। संतान सुख उनको कभी भी बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के नाक के बिल्कुल, जैसे महिलाएं नाक में लोंग पहनती हैं, उनके आसपास यहाँ पर तिल पाया जाता है। देखिए, यदि आपके राइट हैंड पर तिल है नाक पर, पुरुष हो या महिला, तो आप ये मानकर चलिए कि सीधे हाथ की तरफ है तो बेहद लाभकारी है। परंतु ऐसे लोग अपने जीवन में आगे तो बहुत बढ़ते हैं, परंतु वैवाहिक सुख प्रेम संबंधों में हमेशा धोखा खाते रहते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों से प्रेम होता है, परंतु वो प्रेम बहुत क्षणिक हो पाता है, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचते हैं और लोगों के प्रति उनका स्वभाव थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा चालाक भी मान सकते हैं, परंतु यदि ये तिल उल्टी तरफ है तो वो चालाकी और धूर्तता थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये नाक पे, नाक के आसपास पाए जाने वाले तिल का है। इसके बाद आप आइए होंठों के ठीक नीचे, ये तिल बड़ा खूबसूरत होता है। यदि आपके होंठ के बिल्कुल दाहिने तरफ नीचे की ओर तिल है, तो आप मान के चलिए आप बहुत प्रेम करने वाले हैं। ये प्रेम का बड़ा सूचक माना जाता है, जातकों को बहुत प्रेम दिलाता है। महिला हैं या पुरुष, हर प्रकार से प्रेम करने में विश्वास रखते हैं, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। इसके बाद आप आइए तो यहाँ ठुड्डी के आसपास आप देखते होंगे कई बार लोगों के सेंटर में है, कई बार यहाँ साइड में दाहिने या बाईं तरफ होता है। बहुत ही जिद्दी होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों की कुंडली में अमूमन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को सांत्वना देते हैं, जीवन में आगे बढ़ाने में हमेशा विश्वास रखते हैं। इसके बाद आप आइए तो यहाँ कंधे पे, दाहिने कंधे या बाएं कंधे पर तिल होता है। यदि आपके बाएं कंधे पर तिल है तो आप बहुत खर्चीले हैं, दाहिने कंधे पर तिल है तो आपके पास पैसा बहुत आने वाला है। महिला और पुरुष में मैंने जैसे आपको बताया, महिलाओं के लिए बाईं तरफ श्रेष्ठ होता है और पुरुषों के लिए दाईं तरफ। इसके बाद आप आ जाइए कंधे पर तिल। यदि कंधे पर तिल है तो आप जीवन में बहुत मेहनत करके अपने लक्ष्य को जरूर पा पाएंगे। ये आपके पुरुषत्व और आपके आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ाने में भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आप आ जाइए तो छाती पर तिल। कई बार लोगों के यहाँ सेंटर पॉइंट पे या सेंटर में तिल होते हैं, बहुत लोगों की मदद करने वाले होते हैं। ये कई बार आप देखेंगे कि अपना घर फूंक कर भी दूसरों को हमेशा लाभ दिलाने की स्थिति बनी रहती है, तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है छाती पर तिल होना। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं पेट या नाभि के आसपास, तो पेट या नाभि के आसपास यदि तिल है, लेफ्ट हैंड में है तो थोड़ा अशुभ होता है, राइट हैंड में होता है शुभ होता है। बेहद पढ़ाकू किस्म के होते हैं, पढ़ाई में ऐसे लोग बहुत ही आगे बढ़ते हैं और बहुत जीवन में आगे जाते हैं। यदि आपके कमर पर तिल है, कई बार आप देखेंगे हिप्स पर या कमर पर तिल पाया जाता है, बेहद शुभ होता है। ऐसे जातक विदेशों में दौड़ भाग करके बहुत अपने जीवन में सफलता को पाते हैं। यदि आपकी पिंडली पर, माने राइट हैंड की पिंडली पर तिल है, बहुत ही शुभ होता है पुरुषों के लिए। वहीं महिलाओं के लिए बाईं पिंडली पर तिल का होना भी बेहद शुभ माना जाता है, बहुत ही लाभकारी स्थिति तिल की होती है। इसके बाद हम आते हैं पैर के अंगूठे पर। यदि आपके राइट हैंड के पैर के अंगूठे पर तिल है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप बहुत एक स्थान पर टिक कर काम नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में बहुत आगे बढ़कर, कई बार बहुत आगे की स्थिति में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। यदि पैर के तलुए में आपका तिल है तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिसके घर में यदि महिला है तो जब भी जिस पुरुष से उसका विवाह होता है तो लक्ष्मी का पैर माना जाता है। वहीं पुरुष के पैर में तिल है तो आप मानकर चलिए यदि वो गरीबी में भी पैदा हुआ है तब भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो ये सिर से लेकर पैर के तिलों का महत्व है। अब हम बढ़ते हैं पंडित जी अपने दैनिक राशिफल की ओर, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, आज मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है,
देखिए चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आपकी राशि में सूर्य का भ्रमण न केवल आपके मन को प्रसन्न रखेगा अपितु आपके कार्यों को भी बेहद शुभ अवश्य बनाएगा। हालांकि आज का दिन प्रेम संबंधों से बचने का दिन है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा धैर्य से मिलें। अगली राशि यानी वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए राहु पिछले 18 महीनों से आपकी राशि पर चल रहा था, जिसके कारण मन अप्रसन्न था। अब राहु चला गया तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, पुराने लोगों से मेल मुलाकात होगी, कामकाज बहुत बेहतर रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए दिन तो आज बहुत ही शानदार बना हुआ है। अगली राशि यानी मिथुन राशि की हम चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज से और बेहतर हो रहा है। देखिए विरोधी पक्ष न केवल आज कमजोर रहेगा, अभी तो आपके लिए आप जो भी आज कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा बेहद सुखद साबित होगी। कर्क राशि वाले जातकों की हम चर्चा करते हैं। कर्क राशि वाले जातक आज थोड़े से बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे, चिंता और तनाव आज थोड़ा सा कम होगा, पूरी तरह से तो नहीं जाएगा परंतु कामकाज को लेकर परेशानी अभी भी बनी रहेगी, इसलिए सलाह यही है कि जरूरी काम आप बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए माता को लेकर परेशान रहेंगे, सुख में थोड़ी कमी आएगी, लोग आपकी उतनी सहायता नहीं करेंगे जितनी की आप आज अपेक्षा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखें, प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का आज दिन बेहद शानदार बना हुआ है, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बेहद शानदार बनी रहेगी। आप आज जिस कार्य के बारे में सोचेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार बना हुआ है। अगली राशि यानी तुला की चर्चा करेंगे। तुला राशि वाले जातक आज परेशान रहेंगे। देखिए आज कार्य में ना तो आपका मन लगेगा, ना ही आपको किसी भी रूप में कुछ अच्छा लगने की स्थिति बनती है, थोड़े से परेशानी रहेंगे क्योंकि आपकी राशि में केतु का गोचर शुरू हो गया जो आपको मानसिक तनाव देता रहेगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए चंद्रमा का शुभ भ्रमण न केवल आपके मन को प्रसन्न रखेगा अपितु तो आपके कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद शानदार है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि यानी धनु की चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जातक आज बेहद परेशान बने रहेंगे, कामकाज में रुचि तो बिल्कुल रहेगी नहीं, जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं बाधाओं का आप अनुभव भी कर सकते हैं, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। हाँ सलाह यही दूंगा, आज प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश भी आप अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की चर्चा करेंगे, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए सितारे लगातार आपकी कामकाज को ना तो बेहतर भी बनाएंगे, आपकी मदद भी करेंगे, प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन में भी एक सुखद स्थिति अवश्य प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार बना हुआ है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन भी आज बेहद शानदार है। देखिए जब भी समय अच्छा हो तो इसका भरपूर लाभ उठा लें, कामकाज बेहतर रहेगा, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन भी आज बेहद सुखद बना रहेगा, दिन को एंजॉय करिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वाले जातकों का दिन आज से सामान्य हो रहा है, तनाव और परेशानियों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। हालांकि सलाह यही है आज के दिन की कि आप प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें, चिंता ना करें, एक दो दिन के बाद प्रेम संबंध ही स्वतः ही ठीक होंगे। जी पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विषय पर विस्तार से जानकारी आपने दी, दर्शकों की जिज्ञासा शांत की, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।